नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको वस्त्र से वशीकरण का उपाय बताने जा रहे हैं। यह अत्यंत ही सरल एवं अचूक उपाय है। इसके द्वारा आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं तथा अपना मनचाहा कार्य उसके द्वारा करा सकते हैं। घर की लड़ाइयों को दूर करने के लिए इन उपायों को किया जाता है, जिसके द्वारा पति पत्नी में आपस में प्रेम और मजबूत होता है। आधुनिक युग में अनेक स्त्रियां वशीकरण मंत्रों का प्रयोग कर अपने पतियों को अपने वश में कर जीवन का आनंद उठा रही है। यह अत्यंत छोटा और कारगर उपाय है। प्रयोग। सर्वप्रथम आप अपने पति प्रेमी का अंग वस्त्र को लेकर प्रयोग प्रारंभ करें। यह प्रयोग शनिवार के दिन होना चाहिए। वस्त्र से वशीकरण करने के लिए सर्वप्रथम स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें एवं शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद कोई ऐसी जगह देखे जहां कोई ना हो, अर्थात एकांत स्थान, एवं एक नींबू लेकर अपने पति का नाम लिखें और दूसरे हरे नींबू पर अपना नाम लिखे। दोनों नींबू को एक लाल कपड़े में लपेटते। इसके बाद वस्त्र वशीकरण मंत्र का विधि पूर्वक 101 बार जाप करें तथा जिसको वश में करना है उसका नाम लिखा काट कर शहद के साथ ममिलाएं वम एक डिब्बी से उस व्यक्ति के पास ले जाएं जिसको आप वश में करना चाहते हैं और अपने हाथ में पकड़कर उस व्यक्ति के आगे 7 बार वस्त्र वशीकरण मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके पति आपके वश में हो जाएंगे एवं आपके समस्त इच्छाओं का पालन करेंगे। प्रेम में वृद्धि होगी एवं जीवन में खुशियों का आना प्रारंभ हो जाएगा। मंत्र। ओम मोहिनी देवी व्रत स्वर काम मालिनी मां प्रियता आकर्षय आकर्षय स्व। सावधानियां। इस क्रिया को करने से पूर्व आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो एवं जब तक यह वशीकरण क्रिया चले तब तक आपको किसी भी प्रकार के संबंध अपने पति या प्रेमी से स्थापित नहीं करने हैं एवं यह क्रिया एक उच्चतम वशीकरण क्रिया है, इसलिए इसको गुप्त रखना जरूरी है। तभी यह पूर्णता फल देगी एवं आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। कपड़े द्वारा वशीकरण टोटके। अगर आप किसी पुरुष या स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए उस पुरुष या स्त्री का कोई अंग वस्त्र ले और उसे कूटना प्रारंभ कर दे एवं कूटने के पश्चात उस कपड़े के रेशों से एक बाती बना ले एवं कुछ रेशे नीम के पेड़ की जड़ के नीचे गाड़ दे और हर रात में माता काली का जाप करें और उसी बाती का दिया बनाकर पूजन करें। इसके बाद सवेरे उठते ही उस पेड़ में जाकर मूत्र त्याग दे। यह वही होना चाहिए जहां पर आपने कपड़े को गाड़ा है। यह कार्य आपको 21 दिन तक लगातार करना है। आप पाएंगे कि आपका कार्य बन गया और आप जिसको वशीभूत करना चाहते हैं वह आपके वश में पूर्णता हो गया एवं आपकी हर आज्ञा का पालन करने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बता सकते हैं अपना सवाल जो आप पूछना चाहते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।